करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है टू, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर हमें इसको सिंगल लॉगरिथम में करना है, लॉग एक्स माइनस टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस वन एंड माइनस लॉग एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो जी दोस्तों, तो इसको हमने सिंगल लॉगरिथम के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर जो हम पावर स्टार्ट में लेके आते थे, इस पावर को आपने दोबारा उस वेरिएबल्स के ऊपर लेके जाना है। देखिए, इसके साथ कोई भी हमारे पास पावर नहीं है, तो ये एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर टू स्टार्ट में है, तो टू को हमने एक्स के ऊपर ले जाना है, तो लॉग एक्स की टू हो जाएगा। यहाँ पर ये जो टू की पावर है, ये इसके ऊपर चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्री है, थ्री हमारे पास इसकी पावर बन जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वन की पावर थ्री आ जाएगी, और माइनस लॉग, इसके साथ भी कोई भी पावर नहीं है, तो ये भी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों क्या करना है, जो हमारे पास प्लस वाले हैं उनको आपने मल्टीप्लाई में करना है, और जो माइनस वाले होंगे उनको आपने डिवाइड में ले जाना है। सिर्फ हम क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो देखिएगा, लॉग एक्स हमारे पास है, यहाँ पर माइनस के हमारे पास एक ये वैल्यू है और एक हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू है, तो सिर्फ ये आपके पास डिवाइड में जाएंगे और बाकी आपके पास क्या होगा, प्लस में आ जाएंगे। लॉग थ्री आ गया, लॉग एक्स आ गया, एंड मल्टीप्लाई लिख के लॉग आपने क्या कर देना है, एक्स प्लस वन का क्यूब। ये हमारे पास थ्रो हमारे पास आ चुके हैं मल्टीप्लाई के अंदर, क्योंकि ये प्लस के थे, और डिवाइड वाले हमारे पास जो मैंने जिनके नीचे लाइंस लगाई हैं, ये हमारे पास डिवाइड वाले हैं, तो ये हमारे पास नीचे आ जाएंगे, एक्स की टू आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स की टू, और यहाँ पर दूसरा आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो दोस्तों, इसको आपने सिंगल में करना है, तो आप इसको एक लॉग के अंदर भी लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर एक्स है और इंटू एक्स प्लस थ्री है, एक्स प्लस वन का क्यूब है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये हम आपके पास फार्मूला बन रहा है, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो दोस्तों, यहाँ पर एक एक्स जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक एक्स प्लस वन यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर टू रह जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस वन का स्क्वायर ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो ये इसका आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाएं, उनको भी आप लोगों ने सिंगल लॉगरिथम के अंदर चेंज करना है, वो भी मैं आपको अभी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है यहाँ पर दिया हुआ है, तो लॉग 21, क्वेश्चन नंबर थ्री, लॉग 21 प्लस लॉग 5। अब आपको पहले इसको मल्टीप्लाई में सम और डिफरेंस में चेंज कर रहे थे, अब सम और डिफरेंस से आप सिंगल लॉगरिथम में चेंज कर रहे हैं। तो जहाँ पर प्लस होगा सिंपल, उसको क्या कर देना, आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर, 21 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। सिर्फ एक सिंगल लॉगरिथम लिख देना, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर आपने मल्टीप्लाई लगा देना, और जहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा वहाँ माइनस होगा, उसको आपने डिवाइड में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, सेकेंड पार्ट जो है इसका हमारे पास लॉग 25 है माइनस टू लॉग 3 है। अभी देखो, इसके पावर आपके पास स्टार्ट में आ चुके हैं, पहले इसकी पावर को आप जो है ऊपर ले जाएं, पावर ले जाने के बाद आपने इसको डिवाइड में लेके आना है। लॉग 25 यहाँ पर माइनस है, तो मैं ये कंफर्म होना चाहिए कि ये डिवाइड में ज़रूर आएगा, तो लेकिन यहाँ पर पहले पावर को आपने ऊपर ले जाना है, 3 की पावर 2 बन जाएगा। अब जो माइनस वाला है वो आपके पास डिवाइड में आ जाएगा, सिंगल लॉग में लिख देना है 25 ओवर 3 की पावर 2। ये जो माइनस की वजह से है, ये आपको कन्वर्ट कर देनी है डिवाइड के अंदर। सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के कन्फ्यूजन को सॉल्व कर दूँ। तो इसके बाद है 2 लॉग एक्स माइनस 3 लॉग वाई। अब क्या करना है, दोनों के पावरें शुरू में आ रही हैं, ये आपने पहले पावर को ऊपर लेके जाना है। लॉग एक्स की पावर 2 है माइनस लॉग वाई की पावर 3, ये आपने इसके ऊपर ले जानी है, 2 को आपने इस एक्स के ऊपर ले जाना है। तो सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने का फर्स्ट स्टेप ये है कि पावर को आप जाओ ऊपर ले जाएँ, पहले पावर को ले जाएँ, फिर आप इसको सिंगल लॉगरिथम में चेंज। अब माइनस आ रही है, तो ये तो कन्फर्म है डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर एक्स की 2 है ओवर वाई की 3 है। इसके बाद दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो है हम कर रहे हैं, क्वेश्चन पार्ट 4 है, वो हमें जो दिया है लॉग 5 प्लस लॉग 6
माइनस लॉग टू। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग प्लस वाले आपने मल्टीप्लाई में कर देना, माइनस वाला आप डिवाइड में ले जाएंगे। लॉग फाइव मल्टीप्लाई सिक्स ओवर आपके पास टू आ जाएगा, और ये सिंगल लॉगरिथम है, इसका फाइनल आंसर है।